गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल रिवाइज चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज वे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नेम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक क्या होता है चार्ज फील्ड क्या होता है रीजन और स्पेस मतलब क्या है वो स्पेस और रीजन यहाँ तक कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कुछ फोर्स लगाता है इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव उतनी स्पेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज सोर्स चार्ज क्या है कि हमने कोई चार्ज को प्लेस किया हुआ है स्टेशनरी तो उसको हम क्या बोलते हैं सोर्स चार्ज इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेसड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर हमने कोई चार्ज को प्लेस किया है तो हम एक और चार्ज लेके आ रहे हैं जिसपे हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि जो सोर्स चार्ज है वो कितना चार्ज लगा रहा है तो इट मीन जो सोर्स चार्ज है वो कुछ फोर्स लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे तो उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इज गिवन एज ई फैक्टर इज इक्वल टू एफ फैक्टर अपॉन क्यू नॉट और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस गिवन एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एस यूनिट फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे एफ के एस SI यूनिट्स क्या होते हैं न्यूटन क्यू के क्या होते हैं कूलम तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एस SI यूनिट्स क्या होंगे न्यूटन पर कूलम कई बार एग्जाम में एस यूनिट्स गिवन होते हैं एंड यू हैव टू राइट द फिजिकल क्वान्टिटी फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट द फिजिकल क्वान्टिटी हुज एस यूनिट इज न्यूटन पर कूलम दैन द फिजिकल क्वान्टिटी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने फाइंड आउट करना है सो हेयर इज अ डायग्राम यहाँ पे ओरिजन पे हमने कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू इट इज़ अ सोर्स चार्ज अब हम एक कोई टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं जिसपे हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो चार्ज है उसका इंफ्लुएंस कितने रीजन तक है मतलब वो कहाँ तक इस पर फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियसली हमने किया था कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है वन बाई फोर पाई अब साइलेंट नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दम अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है आर वैक्टर तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वेयर इन टू आर कैप हमने फाइंड आउट क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट तो अगर हम फार्मूला में एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू नॉट के साथ क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ई e की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाई फोर पाई सैलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्यर और जो यूनिट वैक्टर होता है उसकी वैल्यू वन होती है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑनली नाउन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अगर सेम अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे दैन सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ चार्जेस मतलब क्या अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज़ द पाथ अलॉन्ग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इट इज़ इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं एक्चुअल में वो क्या होती हैं लाइन्स होती हैं जो हमें क्या देती हैं दीज़ द इमेजनरी लाइन्स ये इमेजनरी लाइन्स होती हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है क्योंकि अगर ऐसे ही हमने सोर्स चार्ज रखा है तो चार्ज को देख के हम नहीं बता सकते कि उस चार्ज का इन्फ्लुएंस कितने रीज़न तक है उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ पे होती है नेगेटिव चार्ज पे इट मीन द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहाँ पे होती है नेगेटिव चार्ज पे द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर कभी भी कंडक्टर में से पास नहीं करती क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ज़ीरो द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती कई बार आपको कंसेपच्चुअल क्वेश्चन भी आता है पेपर में वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द आंसर विल बी एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजर्स विच गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नैवर पॉसिबल हैंस नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली और लेंथ वाइज मतलब क्या लेंथ वाइज वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है नेक्स्ट इज द लाइन्स ऑफ फोर्स एक्जर्ट अ लिटरल प्रेशर ऑन ईच अदर मतलब क्या एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करती हैं ऑब्वियसली जब रिपल्शन होगी तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या जनरेट करेंगी प्रेशर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी हो तो अभी हमने किया था कि प्लस से क्या जाती है अवे और नेगेटिव क्या आएंगी टू वर्ड्स तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस फॉर प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू प्लस क्यू के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या होगी अवे और नेगेटिव के लिए क्या होएगी टू वर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू हैव अ नाइस डे